दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे फोनपे पर एक नया अकाउंट कैसे बनाएं और इसे कंप्लीट कैसे यूज करते हैं। तो फोनपे पर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोनपे ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना नंबर पर 5 अंकों का ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लेते, तो यहाँ पे देखिए ओटीपी आ गया और ओटीपी ऑटोमेटिक ही ले लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंक लिंक करने का ऑप्शन आ गया, आप चाहो तो यहाँ से भी बैंक लिंक कर सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ से स्किप कर दीजिए। आप जैसे ही स्किप करते हैं तो आप आ जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज पर। अब आप कभी भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहीं से हम इसको यूज करते हैं। अब यूज करने के लिए सबसे पहले हमें बैंक ऐड करना होगा, तो यहीं पे सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा ऐड बैंक अकाउंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना बैंक चूज करेंगे। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अगर आप चाहे तो ऊपर सर्च भी कर सकते, लेकिन मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर पर एक ओटीपी आएगा बैंक की तरफ से, और ये वेरीफाई करेगा कि ये नंबर उस बैंक पे लिंक है और नहीं। अगर नंबर उसमें लिंक होगा तो सक्सेसफुली आपका बैंक ऐड हो जाएगा। अलाउ एक्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ कर देना है। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, बैंक लिंक हो गया। प्रोसीड टू ऐड में क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ से UPI ID बनाना पड़ेगा। UPI ID बनाने के लिए आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे ATM के ऊपर 16 अंक का नंबर होता है, उनमें से लास्ट का 6 अंक यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मंथ डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 अंक का UPI पिन बनाना होगा। जब भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो इस पिन का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे पिन बना लेंगे। तो यहाँ पे सक्सेसफुली बैंक ऐड हो गया है, जस्ट इसको यहाँ से कट करेंगे तो आप आ जाएंगे इस ऐप का होम पेज पर, और यही से हम पैसा भेजते हैं और पैसा रिसीव करते हैं। अब पैसा लेन देन करने का कई तरीका है। सबसे पहला ऑप्शन है QR कोड स्कैन करने का। ऊपर देखिए QR कोड है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसको आपका कैमरा का परमिशन देना है, उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आप मार्केट में कोई भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, बस आपका बैंक में बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से वो स्कैन कर लेगा, उसके बाद पूछेगा कितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो। एग्जाम्पल, मैंने 1 रुपया ट्रांसफर करना चाहता हूँ। आप 1 रुपया, 10 रुपया, 10,000, 20,000 जितना चाहे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना UPI कोड डालना होगा, अपना UPI पिन डाल के डन करेंगे, 1 क्लिक में पैसा उनके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बैक आएंगे तो इसके होम पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर, किसी के मोबाइल नंबर डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 2 बैंक UPI ID, यहाँ से किसी के बैंक में पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद 2 सेल्फ अकाउंट, इसका मतलब है अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो आप एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। उसके बाद चेक बैलेंस, आप इस पे क्लिक करके आप अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी काफी सारा ऑप्शन है, आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डिश रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल जमा कर सकते हैं, आप यहाँ से अपना बाइक का इंश्योरेंस कर सकते हैं, और भी काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे है। आप यहाँ पे रेफर करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करके किसी को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। आपके लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करेगा तो 50 रुपया आपको भी मिलेगा और कुछ पैसा उनको भी मिलेगा। तो इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह दे दिया हूँ, तो आप उसी पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए। या हिस्ट्री पर क्लिक करके आप आपका पूरा दिन का हिस्ट्री देख सकते हैं कि मैं किसको किसको पैसा भेजा हूँ और कौन कौन मेरा पास पैसा भेजा है। तो दोस्तों, इस तरीके से फोनपे पर अकाउंट बना करके इसे कम्प्लीट यूज कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन दबा दीजिए।